हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन अबाउट दी कॉमर्स पेपर टू जिनका भी कॉमर्स मैनेजमेंट है उसमें इंटरनेशनल बिजनेस के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सी है वो हम डिस्कस करेंगे और ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले आपके सेट के एग्जाम के लिए या आप नेट अगर प्रिपेरेशन कर रहे हो वहाँ पे भी आपको हेल्प करने वाले अन एकेडमी uh, के प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे पढ़ना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड यूज करें राहुल मोहिले और आपको एडिशनल टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा टेलीग्राम पे मेरा चैनल है लास्ट मिनट रिविजन भी डा रहे सेम सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहाँ पर ज्वाइन कर ले ये पीडीएफ में वहाँ पे टेलीग्राम के चैनल पर फ्री में आपको शेयर करने वाला हूँ तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन दिस इज माई प्रोफाइल तो काफी सारे बच्चों ने लास्ट टाइम जो नेट के एग्जाम में Uh, उनको इस कोर्सेस से काफी हेल्प मिले थे स्पेशल क्लासेस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप ज्वाइन कर ले और मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लेना चलो क्वेश्चन नंबर वन में जाएंगे विच एमोंग द फॉलोइंग आर नॉन टैरिफ बैरियर देखो टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स काफी इंपॉर्टेंट है टैरिफ बैरियर्स होते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है विच एमोंग द फॉलोइंग आर नॉन टैरिफ बैरियर्स तो नॉन टैरिफ बैरियर्स का ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट क्वांटिटी के ऊपर पड़ेगा तो ऑप्शन आर कोटा सिस्टम प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स कॉन्स्युलर फॉर्मेलिटीज या एड वलर ड्यूटी तो अगर आपको टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स पता होंगे तो ही आप इसका आंसर कर सकते हैं मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी डाला है तो आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो राइट right आंसर है इसका कोटा सिस्टम प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स और कॉन्स्युलर फॉर्मेलिटीज देखो दीज आर द ट्रेड बैरियर्स ट्रेड बैरियर्स दो टाइप में डिवाइड होते हैं वन इज कॉल्ड टैरिफ और अनदर इज कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर्स और जब हम नॉन टैरिफ बैरियर्स को टैरिफ बैरियर्स में कन्वर्ट करते हैं उसको बोला जाता है टैरिफिकेशन तो टैरिफ बैरियर्स में एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी स्पेसिफिक ड्यूटी एड वेलरिम ड्यूटी ये सारे के सारे का मैंने एक पूरा का पूरा डेढ़ घंटे का लेक्चर लिया है टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर तो टेलीग्राम पे आपको वो लेक्चर मिल जाएगा उसके बेसिस पे आप उससे पूरा और क्लैरिफाई कर सकते हैं तो ये मैंने सारे डिटेल्स यहाँ पे डाले हुए हैं टैरिफ बैरियर जिसका इम्पैक्ट प्राइस पे पड़ेगा नॉन टैरिफ बैरियर जिसका इम्पैक्ट क्वांटिटी uh, के ऊपर पड़ेगा तो ध्यान से आपको ध्यान रखना है तो इसके राइट आंसर्स मैंने यहाँ पे दी दिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में जानते हैं विच अमंग द फॉलोइंग आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखो यहाँ ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि uh, इनमें से कौन सा ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है रीजनल इंटीग्रेशन डिक्लाइनिंग ट्रेड बैरियर्स डिक्लाइनिंग इन्वेस्टमेंट बैरियर्स ग्रोथ इन फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ बढ़ाना ये तो बैरियर्स की बेसिस पे अगर देखा जाए तो पॉइंट्स से सारे के सारे जो है वो ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है मतलब ग्लोबलाइजेशन में ये सारे पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं रीजनल इंटीग्रेशन भी है ट्रेड uh, बैरियर्स को डिक्लाइन करना ताकि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो पाए इन्वेस्टमेंट uh, बैरियर्स को डिक्लाइन करना या ग्रोथ इन द फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना जिसको हम एफडीआई बोलते हैं आप एफडीआई तो जानते ही होंगे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है एफ पी एफ फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स नेक्स्ट पॉइंट में जाता है तो ग्लोबलाइजेशन के सारे के सारे ड्राइवर्स यहाँ पे दिए स्ट्राइड्स इन टेक्नोलॉजी ग्रोथ ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रीजनल इंटीग्रेशन डिक्लाइनिंग ट्रेड बैरियर्स डिक्लाइनिंग इन्वेस्टमेंट बैरियर्स चेंजिंग द वर्ल्ड जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वर्ल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड्स ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ के रखना बिकॉज ड्राइवर्स के ऊपर बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर थर्ड तो इंटरनेशनल बिजनेस के जो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है उसके बारे में क्वेश्चन है वेन अ फर्म एग्रीज टू कोऑपरेट विद वन और मोर देन वन फर्म ओवरसीज टू कैरी आउट अ बिजनेस एक्टिविटी इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट या टर्न की कॉन्ट्रैक्ट तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस जहाँ पे हम फॉरेन के कंपनीज के साथ एक्टिविटीज uh, जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसके लिए उनके स्ट्रेंथ और हमारे स्ट्रेंथ्स को मिलके हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे बोला जाता है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस वेन एवर वी आर कोऑपरेटिंग विद वन और मोर देन वन फ्रॉम ओवरसीज मतलब यहाँ से हम फॉरेन में जाके बिजनेस करेंगे लेकिन फॉरेन की फॉर्म के साथ मिलके हम बिजनेस करेंगे और उसके बेसिस पे कोई नया प्रोडक्ट के साथ हम मार्केट में आएंगे दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस तो ये सारे कॉन्ट्रेक्चुअल मोड्स आपके पास अवेलेबल है पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने डाला है सो so दैट आपको ये एक्सप्लेनेशन से पढ़ने के लिए हेल्प हो जाए इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है व्हाट डू मीन बाय इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड टन की प्रोजेक्ट सो एक छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन से आपका रिविजन प्रॉपरली हो पाएगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ अ फर्म एब्रॉड फॉर द सेक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी थ्रू ओपनिंग ऑफ द ब्रांचेस तो यहां पर क्या होगा ब्रांच ओपन किया जाएगा देखो बहुत सारे टाइप के फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड ये इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ के रखना तो यहां पर बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इक्विटी कैपिटल में ऑफ द फर्म अब्रॉड फॉर द सेक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी थ्रू ओपनिंग ऑफ द ब्रांचेस अगर आप ब्रांचेस ओपन करोगे तो उसे बोला जाएगा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट ठीक है उसे क्या बोला जाएगा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट तो ध्यान से आपको याद रखना है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का डिफरेंस पढ़ के रखना काफी इंपॉर्टेंट है मैच द फॉलोइंग में भी कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जाएंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर क्वेश्चन है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म इन द होम कंट्री इट इज कॉल्ड एज नॉट मैन्युफैक्चर्ड मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कंपनी उसके होम कंट्री में बना नहीं रही थी फॉरेन में जाके वो प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू करेगे मतलब उन्होंने पूरा का पूरा नया ही प्रोडक्ट बनाया दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमरेट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्ग्लोमरेट का मतलब अनरिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो पहले से कभी कभी उन्होंने नहीं प्रिपेयर किया अभी वो बनाएंगे अलग लाइन में जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमरेट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ध्यान से पढ़ के रखना एफ डी आई के वेरियस टाइप्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या एजर्शन रीजन भी आ सकता है विच among द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड सेक्टर्स ऑफ एफ डी आई तो देर आर सर्टन प्रोहिबिटेड सेक्टर्स जहाँ पे फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता लॉटरी गैम्बलिंग एंड बेटिंग चिट फंड्स निधि कंपनीज तो मैंने एक पी डी एफ के ये पी डी एफ में डाला हुआ है कि कौन से कौन से सेक्टर्स में एफ डी आई अलाउड नहीं है राइट आंसर इस चारों के चारों पॉइंट्स में एफ डी आई अलाउड नहीं है तो so, ये देखो ये प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्राइवेट लॉटरी ऑनलाइन लॉटरी फॉरेनर्स के नॉट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में नहीं हो सकता गैम्बलिंग एंड बेटिंग इंक्लूडिंग कसीनोस चिट फंड्स हैं निधि कंपनीज है ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स रियल इस्टेट बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स तो ये पढ़ के रखना यहाँ पे एफ डी आई अलाउड नहीं है बिकॉज पेपर में बहुत सारे टाइप बार क्वेश्चन नॉट का पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट तो वो ध्यान रखना है आप अगले पॉइंट में जाएंगे अरेन्ज द फॉलोइंग फाइव कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इवोल्यूशन तो इसका एक एब्रीवेशन है ध्यान रखना डिम जी टी डी आई एम जी टी डि डी आई एम डिम याद रखना और जी टी डिम जीटी डी से क्या है डी से डोमेस्टिक कंपनी आई से क्या है आई से इंटरनेशनल कंपनी तो राइट right आंसर देखो इसका फोर पहला फोर है डिम जी टी बताया ना मैंने आपको डी आई एम जी टी तो डी से डोमेस्टिक कंपनी आई से इंटरनेशनल कंपनी टू से दैट इज़ टू इज मल्टी नेशनल एम से मल्टी नेशनल कंपनी देन इट्स ग्लोबल कंपनी देन इट्स ट्रांस ट्रांजिशनल कंपनी ट्रांसनेशनल बोलते हैं बेसिकली ट्रांसनेशनल कंपनी सबसे टॉप पोजिशन पे होता है तो वो ध्यान रखना है इसका अरेंजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट तो डिम जी आपको याद रखना है

कंपैरेटिव एडवांटेज और एक्सिर होलिन पॉल होलिन ने कौन सा थ्योरी दिया था फैक्टर एंड ऑफ ध्यान रखना ऑथर के नाम हमेशा पूछे जाते हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी तो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी किसने दिया डेविड रिकार्डो एडम स्मिथ हेक्सर होलिन पॉल क्रूगमैन तो इसका राइट right आंसर है एक्सिर होलिन ने प्रपोर्शन थियरी फैक्टर फैक्टर एंडोमेंट के बेसिस पे और उनके लिए एक पैराडॉक्स आया था अब अगर आपको पता है तो दैट इज कॉल्ड लियंटिव पैराडॉक्स वैसली लियंट ऑफ वो तो उसका नाम है तो ध्यान रखना है तो ये सारे थियरीज देखो एप्सोलूट एडवांटेज इज गिवन एडम स्मिथ कंपेरेटिव एडवांटेज इज गिवन बाय डेविड रिकार्डो एंडोमेंट दैट इज फैक्टर प्रपोर्सन इज गिवन बाय एरियो एक्सिल होलिन एंड बर्टिल होलिन कंट्री सिमिलैरिटी थियरी गिवन बाय स्टाफिन न्यू ट्रेड थियरी गिवन बाय पॉल क्रुगमैन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी गिवन बाय वर्नन रेमंड एंड थियरी ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इज गिवन बाय माइकल पोडर तो ये नाम याद रखना एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनने ही वाला है मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा थियरीज के ऊपर हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर टेन विच एमोंग द फॉलोइंग फैक्टर्स आर डिटरमिनेट्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी जो दिया है माइकल पोटर ने तो इनमें से कौन से कौन से फैक्टर्स है फैक्टर कंडीशन भी है डिमांड कंडीशन भी है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज भी है और फर्म स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर एंड रेलरी भी है तो इसका राइट right आंसर है वन टू थ्री फोर तो सब सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे कवर है इनमें ये आज के एमसीक्यूज में हमने क्या क्या डिस्कस किया हमने कुछ थियोरीज के बारे में डिस्कशन किया है और एफ के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं आई होप कि आपको ये जो सीरीज मैंने शुरू की है वो अच्छी लगी है इनमें से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज ऐसे ही आपको अभी बहुत सारे एम मिलने वाले हैं जिसमें आपका काफ़ी सारा प्रैक्टिस होने वाला है इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम के चैनल पर शेयर करने वाला हूँ तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है लास्ट मिनट रिविजन विद आर उसको ज्वाइन कर ले सारे पी आपको वहाँ पर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं देना है और टेलीग्राम का चैनल बहुत जरूरी है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना और आ, अन अकेडमी पे मैं लाइव सेशन लेने वाला हूँ कब होगा वो आपको पूरा टेलीग्राम पे नोटिफिकेशंस या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर